नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्रॉपर्टी चैनल पर। आज हम बात करेंगे सितारगंज शहर के करीब इंडिको फ्लावर वैली के बारे में, जहां पर प्लॉट्स, विलास और कमर्शियल शॉप्स अवेलेबल हैं सेल के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है और आने वाले समय में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सितारगंज उत्तराखंड राज्य का एक शहर है, जिसके पश्चिम में किच्छा, पुलबट्टा, रुद्रपुर का एरिया पड़ता है, उत्तर में हल्द्वानी, नैनीताल का एरिया पड़ता है और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश का पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सितारगंज शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर 1200 एकड़ में इंडिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क फैला है। लगभग 12 साल पहले यहां पर फैक्ट्री इस्टाब्लिश हुई थी। फेज टू में और फैक्ट्रीज का इस्टाब्लिशमेंट होने जा रहा है। इन फैक्ट्रीज में काम करने वालों को ध्यान में रखते हुए इंडिको ग्रुप ने लगभग 50 एकड़ में प्लॉट्स और विलास की बुकिंग स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का नाम इंडिको ग्रीन्स है। रिसेंटली कंपनी ने लिमिटेड प्लॉट्स ओपन किए हैं बुकिंग के लिए, जिसका नाम इंडिको फ्लावर वैली रखा है। इंडिको ग्रीन्स इंडिको फ्लावर वैली के सामने की जो रोड है वो 45 मीटर वाइड रोड है। कंपनी ने कमर्शियल शॉप्स भी ओपन किए हैं, जिसके लिए बुकिंग अभी स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप शॉप्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इंडिको फ्लावर वैली के क्लब हाउस में लेकर चल रहा हूँ। क्लब हाउस का नाम आप देख सकते हैं कि महफिल नाम है। रेस्टोरेंट एंड बार है, काफी खूबसूरत बनाया गया है, विद स्विमिंग पूल है, पार्टी हॉल है, यहाँ पर जिम्नेजियम मिलेगा आपको। ये सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ की जो रेजिडेंट है, जो प्लॉट्स लेंगे, जो विलास लेंगे, वो इसको अवेल कर सकते हैं। एक खूबसूरत सा क्लब हाउस इंडिको फ्लावर वैली का, विद लॉट ऑफ ग्रीनरीज, पार्किंग की स्पेस यहाँ पर मिलेगी आपको। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, जहाँ पर आप एक गेट टुगेदर करना चाहें तो आप अच्छा खासा गेट टुगेदर कर सकते हैं। चलिए अब हम क्लब के अंदर चलते हैं। जैसे ही क्लब में एंटर करेंगे, ये रिसेप्शन का एरिया आ जाता है एंड रेस्टोरेंट वाला एरिया में सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपके कोई गेस्ट आए हो यहाँ पर तो आप यहाँ पर लाके उनको आप लंच, डिनर, इवन ब्रेकफास्ट भी करा सकते हैं। सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ जिम की तरफ। जिम भी जो है वो फंक्शनल जिम है। यहाँ पर आपको सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सिर्फ कहने के लिए क्लब नहीं है, प्रॉपर फंक्शनल क्लब है यहाँ पर, विद ऑल द इक्विपमेंट्स। यहाँ पर कुछ विलास में फैमिलीज यहाँ शिफ्ट हो गई हैं। इनका यूज जो रेजिडेंट है, एग्जिस्टिंग रेजिडेंट है, वो करते हैं। यहाँ पर एक पूल भी है, यहाँ पर एडल्ट के लिए एंड किड्स के लिए पूल की फैसिलिटी भी दी गई है। इंडिको से अगर आप देखेंगे सितारगंज की दूरी है लगभग 15 किलोमीटर है, हल्द्वानी 55 किलोमीटर की दूरी पे है, नैनीताल 70 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है और बरेली लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। ये देखिए स्कूल है, विल्बर स्कूल है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, फंक्शनल स्कूल है। ये 24 मीटर की वाइड रोड है, जिसके राइट लेफ्ट में 162 गज के प्लॉट्स हैं और 125 गज के प्लॉट्स हैं। प्लॉट की जो साइजेस हैं 125 गज, 162 गज, 215 गज और 300 गज के प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर आप इंडिको फ्लावर वैली के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।